हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो बस सुबह हो चुकी है, सुबह के साथ हमारे दिन की शुरुआत होती है और नई मतलब कई चीज़ें होती हैं ना। हम सोचते हैं कि कल सुबह से ये काम करेंगे, कई बार नए नियम बना लेते हैं, कुछ नई शर्तें होती हैं, कुछ नए सपने होते हैं नई सुबह के साथ ही शुरू होते कि आदमी को इंतज़ार होता है कल से हम ये करेंगे, हमेशा अक्सर यही बोलते हैं ना। और जब शाम हो जाती है पूरे दिन के बाद, कुछ मिले ना मिले, सपने पूरे हों ना हों, लेकिन कुछ ना कुछ सीख देकर जाती है, कुछ तजुर्बे देकर जाती है। मतलब हर दिन हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही सीखने को मिल जाता है, नहीं कहीं तो कभी किसी से चार बातें सुनने को मिल जाती है, तो वो होता ही है। और सुबह के साथ ही एनर्जी के साथ काम में लग जाओ, अगर जल्दी फुर्सत होना है तो। अगर आराम आराम से करेंगे, रेस्ट ले लेके करेंगे, तो वही काम हमें करते करते ना काफ़ी टाइम लग जाता है। बीच में कई बार मैं न्यूज़पेपर जो पढ़ती हूँ ना सुबह, वो भी सोचती हूँ कि इसको बाद में पढ़ूँ, बाद में देखूँ, लेकिन आदत पड़ी हुई है तो मैं थोड़ा देर हेडलाइन ही सही देख लेती हूँ। क्योंकि जैसे नशा नहीं हो जाता कि कोई भी चीज़ करो तो उसका लगा रहता है, तो मुझे लगता है न्यूज़पेपर को मैं एक बार देख लूँ और उसके बाद पूरी पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं, पूरी न्यूज़ें नहीं पढ़ती हूं, हेडलाइन पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो चाय पीते पीते देख लेती हूं। तो फटाफट से मैंने बच्चों को उठाया है, साफ सफाई करी है और उसके बाद किचन में आ गई हूं। तो किचन में आज पत्ता गोभी आलू की सब्जी बनाई हूँ, भुजिया बनाई हूँ। हेलो, जय माता दी, जय लक्ष्मी माँ, आप लोग कैसे हैं? प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें, बस यही प्रार्थना करती हूँ मैं, हम सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। तो आज है दिन फ्राइडे, शुक्रवार का दिन है और मेरा है वैभव लक्ष्मी माता का व्रत। और सुबह का नाश्ता वगैरह सब निपट चुका है और अभी दोपहर का खाना बनाना बाकी है। पर किचन अभी नहीं क्लीन किया था नाश्ते के बाद के बर्तन सारे पड़े हैं, दूध उबालना है, खाना बनाना है। और मैंने सुबह साबूदाना बना लिया था इन लोगों को, क्योंकि वो आसान है। दूध और पानी में मतलब उसको डाला, साबूदाना पक गया, चीनी डाली और खा लिया, उसमें टाइम नहीं लगती, मेहनत नहीं लगता और खाने के बाद पेट में भी मतलब फिर भूख नहीं लगती जल्दी, इसलिए मैं साबूदाना कई बार बनाती हूँ, वही ले लिया है। और पूजा की तैयारी शाम को होगी मेरी, और कुछ ना कुछ प्रसाद मीठे में, बीच में कमेंट आया था कि आप प्रसाद बनाते हो तो मुझे भी आइडिया मिलता है अपने भगवान के लिए भोग बनाने के लिए, माता रानी के लिए। तो आज नई रेसिपी बनाऊंगी मैं मिठाई की, जो कि आप लोग, लड्डू गोपाल का जन्मदिन आ रहा है तो उस पर भी बना सकते हैं उनके भोग में। और बस यहाँ पे कर लूँ, आज देव स्कूल नहीं गए हैं, उनकी तबीयत खराब है, कल डॉक्टर को दिखाया, दीपू स्कूल गई हैं, पता नहीं कहाँ से उसको सर्दी खांसी फीवर सा हो रहा है। इस समय यहाँ पे डेंगू बहुत ज़्यादा फैल गया है, जिसको सुनो उसी को डेंगू हो रहा है, तो बहुत डर भी है, उसकी तबीयत देख रहे हैं। अगर अभी वैसे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर डॉक्टर को ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसको ले जाके दिखाया था डॉक्टर ने, ब्लड टेस्ट के लिए लिखा नहीं, बोला बस ये दवा ले जाओ, दवा खिलाओ, टाइम टाइम से ठीक हो जाएगा। ये मेरे गौ माता की रोटी है, मैं डिब्बे में करके फ्रिज में रखती हूँ, तो ऊपर रहने की वजह से देख नहीं पाते, कई बार एक दो दिन भी हो जाता है, तो जिस टाइम मैं देख लेती हूँ उस टाइम में ले जाके रोटियाँ खिला देती हूँ। तो बस मैं किचन बर्तन कर लूँ फटाफट, उसके बाद खाना बना लूँ। तो दिन की शुरुआत में पहली बार का बर्तन किचन हो चुका है, नाश्ते के बाद पूरा किचन क्लीन हो गया, बर्तन जितने नाश्ते के थे वो धुल दिए हैं। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ दाल, क्योंकि दूध उबाल दिया था, पहले ही रख दिया था, जब बर्तन धुल रही थी उसी समय दूध उबल गया था। और उसके बाद दाल बनाई, खाना पीना सादा, दाल चावल रोटी सब्जी तो वही सुबह बनाई थी, और आज के दिन व्रत है तो प्याज लहसुन बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ, तो बस वही खाना पीना हुआ है। उसके बाद ये अभी करीब 3 बज रहे हैं और 3 बजे से मैं लग गई थी, पहले ये मलाई बहुत दिनों से इकट्ठा हो गई थी, तो मलाई में मैंने कहा घी निकाल देती हूँ, उसके बाद फिर प्रसाद बनाती हूँ। तो मलाई ये देख रहे हैं कि 4 कटोरे, तो कटोरे कटोरे में करके मैं फ्रीजर में डालती रहती हूँ। और इस समय बारिश कई दिनों से नहीं हुई ना,
तो बारिश होती रहती थी तो गर्मी नहीं लगती थी, और ये लगातार कई दिनों से कड़ी धूप होने लगी है तो एकदम ऐसा लग रहा है बहुत गर्मी आ गई है, बहुत गर्मी सी हो रही है। और बस यहाँ मलाई मैंने फ्रीजर से निकाल कर नॉर्मल फ्रीज में डाल दिया था तो एकदम वैसे फ्रीज में ठंडी थी, और फ्रीजर में क्या होता है बर्फ़ जैसी जम जाती है तो तब तो निकालना ही मुश्किल हो जाता है। तो एक दिन पहले ही मैं फ्रीजर में से इसको फ्रीज में रख देती हूँ और उसके बाद फिर बस निकाला और नॉर्मल पानी डाला। अभी गर्मियाँ हैं और आप लोगों में से कितने लोग चम्मच से निकाले मक्खन, मलाई से मतलब मक्खन निकालते हैं ये मुझे बताइएगा। मैं तो चम्मच से ही निकालती हूँ, वैसे तो आप मिक्सर जार में, ब्लेंडर से और किसी मतलब और भी कई तरीके होते हैं, मथनी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये चम्मच वाला तरीका मुझे सबसे आसान लगता है, बहुत जल्दी निकल जाता है। गर्मी है तो ठंडा पानी, ठंडी है तो हल्का गुनगुना पानी, और इस समय जैसे सीजन है तो इस समय यहाँ पे नॉर्मल पानी डालने से निकल आता है। और यहाँ पर मैंने एक कटोरी पनीर ली थी काट के, उसमें थोड़े से काजू डाले हैं, पहले पनीर को पीस लिया था उसके बाद काजू डाल दिए हैं, उसके बाद इसमें दूध थोड़ा सा डाला था और बारीक बढ़िया सा पीस लेना है। और ये आपकी ऐसी बर्फी, पेड़े जो भी बनाना चाहेंगे इतनी टेस्टी बनेगी। और पनीर की जगह पे आप दूध भी ले सकते हैं फाड़ के, दूध का मतलब तुरंत ही फाड़िए, फाड़ के अपना उसका जो निकलता है पानी निकाल के, जो छेना मतलब बनाने के लिए निकालते हैं ना, समझ ही रहे होंगे आप लोग, पनीर भी बनाते हैं तो वो आप ले सकते हैं। कई बार पनीर नहीं है फिर आप बनाना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो एक कटोरी लिया था मिल्क पाउडर, एक कटोरी पनीर थी उसको पीसा था, उसमें थोड़े से काजू, आप इसमें नारियल का भूरा भी ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे। और मैंने एक गलती कर दी थी, आप मत करिएगा, आपको ये बनाना है तो बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी मिठाई है, लेकिन जब आप पलटते हैं ना मिक्सर जार में ग्राइंड करने के बाद, सीधे ऐसे कढ़ाई या फिर किसी भी जिसमें भी आपको फ्राई पैन वगैरह जिसमें भी बनाना हो मिठाई को, उसी में सीधे डालिएगा, थाली में मत डालिएगा। मैं जल्दी जल्दी में भूल गई और थाली में पलट दी थी तो बाद में पछता रही थी। इसमें थोड़ा सा दूध डाल के फिर मैंने थाली को पोंछ के साफ़ किया। इधर मैंने तुरंत ही मक्खन भी रख दिया था, गर्म हो रहा था उधर से, मैंने कहा घी भी निकल जाए। तो बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपके घर में पनीर मिल्क पाउडर है ना तो फटाफट से ये बर्फी पेड़े जो भी आप बनाना चाहेंगे बन जाएंगे। इसमें आपको मीडियम से मतलब लो टू मीडियम ऐसे करना है, गैस को एकदम हाई करके नहीं रखना है और इसे चलाते रहना है, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये आपका एकदम गाढ़ा हो जाएगा। तो काजू मतलब इसमें जो डाले थे ना वो कहीं कहीं हल्के हल्के से रह गए हैं, और आप और ज़्यादा अगर बारीक एकदम काजू कहीं भी दिखे ना तो उसको अलग से पीस के डालिएगा, उसमें मिलाइएगा अलग से, थोड़ा सा दूध डाल के काजू को पीस लीजिएगा फिर डाल दीजिएगा। और यहाँ पर जब ये एकदम सूख गया था तो गैस बंद करके इसमें डाली है आधी कटोरी चीनी और थोड़ी सी इलायची पाउडर। तो आप चीनी अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, वैसे आधी कटोरी में बहुत ही मतलब बढ़िया मीठा था, लेकिन जो कम मीठा पसंद करते हैं वो आधी कटोरी से और कम डालेंगे मिठाई। तो बस इसको इलायची पाउडर और ये चीनी डाल के फिर से गैस जलाई थी और उसके बाद इसे फिर से चलाना है, तो फिर से मुश्किल से 4-5 मिनट लगेगा। उसी तरह से मीडियम लो टू मीडियम ऐसे ही गैस को रखना है, उसके बाद आपको इसे जब देखेंगे आप जैसे एकदम इकट्ठा होने लगता है उतनी देर बाद आप उतार दीजिए, हल्का सा ठंडा होने दीजिए और उसके बाद थाली में लगा दीजिए बढ़िया सा घी, और इसे निकाल के इसमें अगर आपको बर्फ़ी जमानी है तो फैला दीजिए, और पेड़े बनाने हैं तो बस इस टाइम पे आप इसे पेड़े बना के रख लीजिए, तो है ना आसान और बहुत ही टेस्टी भी बनेगी। ज़रूर ट्राई करिएगा, अभी लड्डू गोपाल का जन्मदिन आ रहा है तो आप उस पर भी बना सकते हैं, कान्हा जी को भोग लगा सकते हैं इसका, और टाइम और हर चीज़ अपने आप, घर का जब हम बना के चढ़ाते हैं ना भगवान को तो एक अलग खुशी होती है। और अक्सर जब कुछ पड़ता है ना, शुरू से मेरी आदत है, जब जैसे अभी सावन का था तो मैंने दूध के पेड़े बना के चढ़ाए थे सोमवार का, ऐसे ही माता रानी का जब भी रहता है कुछ ना कुछ मैं बना के चढ़ाती हूँ। और जब भी कोई वैसी चीज़ें भी होती है, कोई ख़ास त्यौहार ना, तो मेरी आदत है कि मैं भगवान को अपने हाथ का कुछ मीठा कुछ भी वो अपने हाथ से बना कर चढ़ाती हूँ। तैयार हो गई हूँ, प्रसाद बना के रख के फटाफट से साड़ी निकाली, और आज ये साड़ी मैंने बहुत दिनों के बाद पहनी। अक्सर जब मैं वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करती हूँ तो मुझे लाल गुलाबी ही अच्छा लगता है, चटक कलर ही पहनती हूँ। और ये देखिए, ये मैचिंग फुग्गा देख रहे हैं आप लोग, ये मैंने पेटीकोट बनाया था इस कपड़े का, तो
ये कपड़ा बचा था तो इसका मैंने ये स्क्रंची बना लिया था, तो मैंने आज यही लगा लिया है और तैयार होके बस चलती हूँ पूजा करने, क्योंकि 1 घंटे लग जाएंगे मुझे पूजा कथा करने में और दिन डूबने से पहले कर लेती हूँ ये पूजा। तो चलिए चलते हैं अब मंदिर में पूजा करने के लिए, और 1-1.5 घंटे अभी लगेंगे मुझे पूजा पाठ तैयारी, पहले तैयारी करूँगी और उसके बाद पूजा करूँगी। तो बर्तन वगैरह पहले तो जो सुबह पूजा करते हैं तो काफ़ी धुल के रख देते हैं, कुछ जो भोग वगैरह लगा रहता है वो बर्तन धुले हैं, उसके बाद बस यहाँ पर लक्ष्मी माता की फ़ोटो रख के इनकी अलग से चौकी लगाते हैं और लगा के बस पूजा कथा करी है, उसके बाद आरती कर ली है और बाहर लेकर आई ना, तो बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि उससे दीपक जल ही नहीं रहा था। एक बार तो बुझ ही गया, मैं माचिस लेकर आई दोबारा से जलाई, फैन चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही होगी, बहुत ही अच्छी। वैसे तो भगवान का माता रानी का प्रसाद है तो अच्छा ही बनना था, इसमें कोई दो राय नहीं थी, पर ये जो बर्फी बनी हुई है ना ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छी बहुत ही सॉफ्ट। जो बोल रहा था अपने आप ही, मैंने पूछा नहीं, बोला कि मैं बहुत टेस्टी बनी है मम्मी। तो ये देखिए इसका टेक्सचर भी जी, तुम बता दीजिए। अच्छी है ना, बहुत ही अच्छा। तो अभी दीपू है नहीं है, देव को दे दिया, इनको दे दिया, ये भी नहीं है, तो अब मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, फिर कुछ बनाया जाए, कुछ पेट पूजा करी जाए। तो घी निकल आया था उस समय ही, मैंने साथ में मिठाई बनाई थी, साथ में ये घी भी पक गया था, लेकिन रखा नहीं था क्योंकि ये ठंडा नहीं था, बहुत ही गर्म था, तो बस इसको भी छान के रख दूंगी। और एकदम मुंह में जो कहते नहीं मुंह में घुल जाने वाली मिठाई, वैसी मिठाई बनी थी। तो अभी मेरा क्या है, मैं पूजा करने के बाद लिखा हुआ था ना, शुरू से आदत है जब प्रसाद तब लेती हूँ जब मैं खाना खाने बैठती हूँ, जैसे शाम को एक टाइम मैं जो खाना खाती हूँ उसके साथ में ही प्रसाद लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं चाय चढ़ाई, बढ़िया सी चाय नहीं पी थी शाम को, और आटा में मतलब आटे में अजवाइन कसूरी मेथी और थोड़ा सा घी डाल के आटा ऐसे ही लपेट के रख दिया, जिसमें टाइम कम लगता है, बाद में ये आटा बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। तो मैंने कहा अब जल्दी जल्दी खाना बनाना है बीच में, तो चाय जब तक पियेंगे आटा सेट हो जाएगा, लेकिन अभी ये कपड़े रखने को बाकी थे। और ये देखिए दीक्षा से मेरी चाय गिर गई, दीक्षा इधर जा रही थी और मैं आ रही थी बैठने के लिए, दीक्षा ने बोला अभी साफ कर दूंगी। तो ये कपड़े रखने हैं, उसके बाद खाने का मतलब पूड़ी जानते ही हैं, मैं तो रोटी भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि पूड़ी ही, लेकिन आप ही लोग कई लोगों के कमेंट आते कि पूड़ी खाना चाहिए तो रोटी नहीं खानी चाहिए, तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, खाना तो होता ही है, पूड़ी ही बना लूँ। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, आज के दिन जो आलू की सब्ज़ी और पूड़ी मैं बनाती हूँ ना, तो उनको भी इंतज़ार रहता, तो इसीलिए फिर मेरी पूड़ी बनती है। और ये बिना लहसुन प्याज की ये भंडारे वाली सब्ज़ी जो बनती है ना, कि इसका भी पूछिए मत, बहुत ही अच्छा स्वाद रहता। तो यहाँ पर मैंने थोड़े सा जीरा और कसूरी मेथी निकाल के रखी, और सारी चीज़ें मैं पैकेट वाली जो जैसे भरती हूँ ना वो साफ़ ही अलग रख देती हूँ, डेली यूज वाला नहीं रहता, वो अलग रहता है, उसी में से सब निकाला है। और यहाँ जीरा कसूरी मेथी का छौंक दिया है, इसमें मैंने टमाटर मिर्च और अदरक एक साथ ही इसको पेस्ट बना लिया था पीस के, और जैसे वैसे तो बॉयल आलू के ही बनते हैं अक्सर, लेकिन इस तरह से ना कच्चे आलू का भी बना सकते हैं। मैंने कहा आज आलू नहीं बॉयल करती हूँ, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, तो ऐसे भी उतनी ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। अगर आप मान लो बॉयल आलू नहीं करना चाहते हो मेरी तरह, तो ऐसे ही काट के तुरंत बना सकते हैं। इसमें मसालों में मैंने धनिया मिर्ची हल्दी पाउडर और गरम मसाला सब्जी मसाला सब थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया था, उसके बाद ये कटे हुए आलू डाल दिए हैं और फिर इसमें नमक डाल दिया है, और बस बस अच्छे से इसको भूज भाज के उसके बाद में लास्ट में आपको बस यही करना होता है कि आलू को मैश कर देना होता है जब पक जाती है तब बस, और बहुत ही अच्छी वैसे ही लगती है, आपको नहीं लगेगा कि ये कच्चे आलूओं से बनी है सब्जी। और पूड़ी बन गई है, लाइट चली गई, यहाँ पे दीक्षा टॉर्च दिखा रही हैं तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले जब भी व्रत रहता है तो मेरी ही थाली निकलती है, उसके बाद फिर और सब मतलब बाद में खाते हैं। अब आ गई है लाइट, तो अब दिन भर की भाग दौड़ से थक जाता है ना इंसान, और गर्मी भी बहुत हो रही है, तो मैंने फटाफट से साड़ी चेंज कर ली थी खाने से पहले ही,
तो उसके बाद अभी बस सारा ही काम निपटाने के बाद अच्छे से ये मेरा रात का डेली का रूटीन है और आप लोग के साथ कई बार शेयर भी किया है। तो बिना मुंह हाथ पैर धुले तो मेरे को नींद ही नहीं आती, आदत सी बन गई है कि रात में भी अच्छे से मुंह धुलना है, पैरों को धुलना है, हाथ पैर धुल के, और मुंह पे कोई भी सॉरी सीरम वगैरह होता है ना, मैं खुद का जो बना के रखती हूँ सीरम घर वाला, वही लगा लेती हूँ लगा के नाइट सीरम, फिर सोती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो कहीं भी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कंजूसी मत किया करिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज़ बन जाइए। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।